जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MP एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी विभाग एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपका जारी हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसका प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से किसी भी रीजन से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है एंड किन इंस्ट्रक्शंस का पालन आपको एग्जाम के दिन करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहां पर जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ये भर्ती की जानकारी आ जाएगी कि कितने पद पर भर्ती निकाली गई थी, कब से लेकर के कब तक आपने फॉर्म को भरा था, एंड जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी 20 फरवरी 2023 रखी गई है। तो यहां पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि बेसिकली आपका डायरेक्ट लिंक है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का। अब आप यहां पर आएंगे और इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हुए यहां पर इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब यहां पर आपको बोला है एप्लीकेशन नंबर, जो कि मैक्सिमम 13 डिजिट का होता है, वो यहां पर आपको एंटर करना है। फिर यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय इस्तेमाल की थी, और फिर ये जो कैप्चा कोड है वो कुछ भी हो सकता है, वो आप यहां पर एंटर करेंगे। जो भी यहां पर आपके सामने नंबर है उनको जोड़ करके आपको लिखना है एंड फिर आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके एडमिट कार्ड का स्टेटस आ जाएगा। अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मैंने ये फॉर्म नहीं फिल किया था, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियली आ चुका है। अब आप यहां पर ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो चेक कर लीजिए। आपको ये बोला कि डाउनलोड व मुद्रित किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगी उसी के आधार पर आपको एग्जाम सेंटर में अनुमति दी जाएगी। साथ ही कहा है कि निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी एंड साथ ही यहां पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए कि जो समय आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर दिया है उसी समय में आपको पहुंच जाना है, बल्कि उसके आधे से 1 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। इसी के साथ आपको यहां पर यह बोला है कि मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र की पात्रता होगी। और बेसिकली आपको यह कहा कि आपके पास आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको ले जाना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं हुआ तो फिर आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपको एक ऐसी अन्य ID लेकर के जाए जिसमें कि आपका फोटो, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका पासपोर्ट, इनमें से कोई भी अन्य ID आप लेकर के जा सकते हैं। एंड जो एडमिट कार्ड है उसकी आपको कलर में प्रिंट कॉपी लेकर के जानी है। इसके बाद आपको बोला कि TAC के द्वितीय भाग में सब हस्ताक्षरित फोटो लगाना अनिवार्य है, यानी कि जो आपको एडमिट कार्ड के अंदर TAC के द्वितीय भाग मिलेगा उसमें आपको सब हस्ताक्षरित यानी कि खुद का सिग्नेचर कर फोटो लगाना अनिवार्य है। यह आपको एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन मिल जाएगा। एंड जो यहाँ पर अन्य इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आपको लेकर के जाने को बोला है वो आपको लेकर के जानी है एंड जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया जो कि यहाँ पर मेंशन है ये आपको लेकर के नहीं जानी है।
इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड 19। आप यहाँ पर ये जो एडवाइजरी है कोविड 19 की, ये भी डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इनका पालन करना भी आपके लिए अनिवार्य है। अभी ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, जो कि बाद में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी मेन इंस्ट्रक्शन है, वो जब आपने लिंक के ऊपर क्लिक किया होगा तो यहाँ पर तब भी आए थे। ये वो सभी इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करने, जो चीज़ें यहाँ पर आपको बोलिए ले जाने को, जैसे कि एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, इसके अलावा अतिरिक्त तस्वीर उपस्थिति पत्रक पर चिपकाया जाना, ये आपको बोला है कि पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, ये आपको लेकर के जाना है, और व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल आपको लेके जानी है एट टाइम ऑफ एंट्री के समय। एंड यहाँ पर आपको ये बोला है कि उम्मीदवार को हर समय एक दूसरे से, यानी कि ये बेसिकली वो आपकी कोविड 19 की एडवाइजरी है जिसके बारे में भी मैंने बात की थी, जो कि जिसका लिंक अभी नहीं चल रहा था। तो बेसिकली आपको ये सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने एग्जाम के दिन, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। और मैं इसके लिए एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन आगे की नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरे पास ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी रीजन से अपने एडमिट कार्ड का स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे, तो आपको कैसे मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना है, मैं कोशिश करूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है, और इसमें आपको लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है नेम के सेक्शन में, और ईमेल आईडी देनी है। फ़ोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैसेज में आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो कि 13 डिजिट का है, साथ ही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय इस्तेमाल की थी वो देनी है, यानी कि आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो महत्वपूर्ण रूप में देनी है। साथ ही आपको लिखना है MP एक्साइज कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड, ये इसलिए लिखना है ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको किस एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना है, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराने को लेकर के रिक्वेस्ट आती रहती है। तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि किस पोस्ट का एग्ज़ाम है, तो आप तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है और कहां पर इसको सर्च करना है। इसलिए आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के साथ में MP एक्साइज कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड भी यहाँ पर लिख दीजिएगा, एंड फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, और फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दे दिया जाएगा। एंड उसके लिए जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आप से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी MP एक्साइज कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2023 के बारे में जानकारी, कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कैसे आपको मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो कोई सवाल डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।